दोस्तों, अगर आपके सिस्टम में भी कुछ इस तरीके का एरर आता है तो आज की इस वीडियो में मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। दोस्तों, ये एरर आता है कि आपका जो हार्ड ड्राइव या एसएसडी है ना, वो डिटेक्ट नहीं होती, तो ये एरर आता है। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अपना सिस्टम रीस्टार्ट करना है, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डेल बटन से, डिलीट बटन से। उसके बाद दोस्तों आपको F9 प्रेस करना है, अगर आपका सिस्टम HP का है तो, मतलब बूट में जाना है। डेल में आपका F12 से आता है। तो दोस्तों यहाँ पे ना बूट ऑप्शन मेनू आप ऊपर देख सकते हो, उसके नीचे हार्ड ड्राइव शो होती है। यहाँ पे हमारे पास WD की हार्ड ड्राइव शो हो रही है, लेकिन दोस्तों इसके अंदर एक SSD भी लगी हुई है, वो शो नहीं हो रही, उसी में विंडो डली हुई है। तो दोस्तों एक बार हम इस पर एंटर करके देखते हैं, चलता या नहीं चलता। अब ये तो दोस्तों हार्ड ड्राइव है, इसमें तो विंडो चलेगी नहीं, क्योंकि ये तो सेकेंडरी बनी हुई है और इसमें विंडो शायद करप्ट है। दोस्तों पहला जो सॉल्यूशन होता है वो ये होता है, आपको आपके बायोस में जाना है, F10 मेनू से बटन से जाते हैं बायोस मेनू के अंदर। दोस्तों यहाँ पे आपका बायोस आ जाता है, तो बायोस के अंदर आपको जाना होता है बूट ऑप्शन में, आप देख सकते हो दोस्तों। बूट ऑप्शन में जाने के बाद दोस्तों आपको जाना है बूट मैनेजर में, यहाँ पे दोस्तों जब आप एंटर करते हो तो जो भी आपके सिस्टम में SSD या हार्ड ड्राइव लगी हुई होती है तो यहाँ पे शो होती है वो। यहाँ पे दोस्तों अभी हमारे पास बस एक हार्ड ड्राइव शो हो रही है WD की, मतलब जो अपनी SSD है वो इसमें या तो डिटेक्ट नहीं हो रही या कोई प्रॉब्लम है। तो दोस्तों इतना करने के बाद आपको इसको शट डाउन कर लेना है और अपनी SSD को चेक करना है। मैं अभी देख लेता हूँ। आपको पहले अपनी बैटरी निकालनी होती है। उसके बाद दोस्तों कुछ स्क्रू लगे हुए होते हैं, वो आपको ये जो प्लस वाला स्क्रू ड्राइवर होता है इससे उनको ओपन कर लेना है। ये कुछ स्ट्रिप्स लगी हुई होती हैं HP वाले लैपटॉप में, तो यहाँ पे भी आपको देख लेना है, यहाँ पे भी स्क्रू होते हैं। वैसे तो इसके अंदर मैंने ऑलरेडी निकाल लिए हैं जो भी थे। यहाँ होता है, यहाँ होता है, एक यहाँ पे होता है, एक ये रहा, इसको भी निकाल लेते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको DVD राइडर निकालना है। उसके बाद दोस्तों आपको ना यहाँ से ऐसे पकड़ के इसको ऐसे करके खोल लेना है। ये सिंपल, बहुत इजी तरीके से ओपन हो जाता है। याद रहे आपको ना पहले पूरे स्क्रू खोल लेने हैं। जैसे आप देख सकते हो दो यहाँ पे रह चुके हैं, तो हो सकता है आपका बेस टूट जाएगा अगर आप फोर्स भी करोगे तो। अब दोस्तों आप देख सकते हो सिंपल तरीके से अपना बेस निकल गया है। अब दोस्तों यहाँ पे ना ये तो अपनी SSD लगी हुई है, 128 GB की ये हार्ड ड्राइव लगी हुई है, तो हार्ड ड्राइव तो डिटेक्ट हो रही है WD की, आपने देखा था, SSD डिटेक्ट नहीं हो रही। अभी इसको सिंपल एक बार निकाल के यहाँ से इसको हो सके तो इरेजर से साफ कर लेना, और ये जो कनेक्टर होता है ना इसको भी आप किसी ब्रश की मदद से साफ कर सकते हो। अब दोस्तों इसको दोबारा से हम लगाते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो SSD तो मैंने लगा दी है। अब दोस्तों आपको करना ये है कि आपको पहले तो प्लग इन कर लेना है लैपटॉप को ऐसे ही विदाउट बैटरी के। उसके बाद दोस्तों अब मैं इसको ना ऑन करके देखता हूँ। ये मेरा लैपटॉप हो गया ऑन, यहाँ पे आप देख सकते हो पावर LED ऑन हो चुकी है। दोस्तों अपनी SSD के अंदर पावर तो आ रही है, लेकिन दोस्तों यही एरर दोबारा आ रहा है, मतलब कि SSD हमारी ओके है, डिटेक्ट हो रही है। अब दोस्तों दोबारा देखते हैं F9 में जाके क्या प्रॉब्लम है ये।
यहाँ पे फिर से शो नहीं हो रही। तो दोस्तों अब दोस्तों यहाँ पे ना कुछ आपको इंस्ट्रक्शन दे के रखता है कि प्रेस एंटर टू ट्राई अगेन, F1 टू रिकवर। यहाँ पे दोस्तों एक F9 का होता है यूज टू डिफरेंट, तो आपको सिंपल F9 प्रेस करना है। अब दोस्तों आपकी विंडो चलना स्टार्ट हो जाती है। दोस्तों ये बायोस की ही प्रॉब्लम होती है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा मैं आपको कि ये क्या प्रॉब्लम होती है, आप कैसे सॉल्व करोगे इसे। तो दोस्तों आप देख सकते हो अपना लैपटॉप ऑन हो चुका है, ऑन हो रहा है, विंडोज़ जो है वो अपनी ऑन हो रही है अभी। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि ये प्रॉब्लम होती क्या है। मैं आपको पहले दिखा देता हूँ विंडोज़ को प्रॉपर तरीके से ऑन करके। अब ये दोस्तों दोबारा से वही आ गया। इसको दोस्तों हटाने के लिए आपको बायोस में जाना होगा और बायोस के लिए F10 प्रेस करना है। दोस्तों उसके बाद आपको जाना है बूट मेनू में, बूट ऑप्शन पे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ना दो ऑप्शन होते हैं, एक तो आप देख रहे हो लेगेसी सपोर्ट, एक होता है UEFI वाला। तो लेगेसी सपोर्ट यहाँ पे डिसेबल है, आपको सिंपल इसको एक बार अनेबल कर देना है। यस दोस्तों F10 से सेटिंग कुछ सेव कर देना है, उसके बाद यस। अब देखते हैं अपना लैपटॉप चलता है या नहीं चलता। दोस्तों लैपटॉप रीस्टार्ट हो चुका है और दोस्तों आप देख सकते हो जो अपना लैपटॉप है वो ऑन हो चुका है, इस बार इसमें कोई भी एरर नहीं आया। तो दोस्तों ये मेनली जो प्रॉब्लम होती है ना, वो पहले आप अपनी बायोस सेटिंग्स में जाके देख सकते हो, क्योंकि वहाँ पे कई बार बायोस अपडेट होती है या रीसेट होती है तो प्रॉब्लम करने लगती है। उसके बाद दोस्तों अगर नहीं होता तो आपको अपना जो लैपटॉप होता है वो खोल के चेक करना होता है कि उसमें पावर आ रही है या नहीं आ रही है आपकी SSD के अंदर। कई बार होता है कि आपके SSD में प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों आप इसको बायोस की सेटिंग से ही सॉल्व कर सकते हो। आपको या तो एक बार लेगेसी को अनेबल करना है या UEFI को, आपको दोनों को एक एक बार अनेबल करके देख लेना है, आपकी जो SSD होती है वो चल जाएगी। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगे तो भाई लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर कोई और प्रॉब्लम है तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, गुड बाई।